दोस्तों, आज के समय में हमारे भारत को नीचा दिखाने वाले बहुत से लोग आगे आते हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही खास खबर लेकर आई हूँ। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये फोटो तो आपको याद ही होगी। दरअसल ये फोटो तब की है जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया था। खैर, जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके 2-3 दिनों के बाद ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जो प्रमुख था, वो चाय का कप लेकर काबुल में मौजूद था, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। इसके बाद इस फोटो को दिखाकर पाकिस्तानियों ने भारत को खूब चिढ़ाया था कि हमने तुम्हारा अफगानिस्तान से सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो ये भी खुशी मनानी शुरू कर दी थी कि भारत उनके अनुसार अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करते हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं, पाकिस्तान सेना से उन्हें अब भारत की मदद नहीं मिल पाएगी। उनकी जो आज़ादी की मांग है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान सेना के जो लोग थे, खुले में तीर बनाकर बोल रहे थे कि जो सीपेक प्रोजेक्ट है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज स्थिति क्या है? 2021 की इस घटना को आज 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में पाकिस्तानियों की जो खुशी हुआ करती थी, जो जोश हुआ करता था, आज गुस्से और झुंझलाहट में बदल चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इनका प्यारा मित्र तालिबान उनकी ही लंका लगा रहा है। उनके देश में आतंकी हमले में ऐतिहासिक उछाल आया है। सीपेक प्रोजेक्ट पर लगातार अटैक हो रहे हैं और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी, जो पहले कम हुआ करती थी, और वो 50 से 60 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के लोग रोज दर्जनों की संख्या में मारे जा चुके हैं और उनके सैन्य बेस पर अटैक ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। आए दिन पाकिस्तान सेना के सैन्य बेस पर अटैक होना, वही पाकिस्तान के अंदर हो। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान है, इनकी पूंछ 12 साल तो छोड़िए, आप 50 या 100 साल भी रख लो नली के अंदर, तब भी दोस्तों वो सीधी नहीं होगी और ये कभी बाज नहीं आएंगे। इनकी बेइज्जती करवाने से कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, ऐसा क्यों? दरअसल आज बांग्लादेश के अंदर आप जानते हैं कि तख्ता पलट हो चुका है और भारत के करीबी माने जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हो चुका है और अब वो देश छोड़कर जा चुकी हैं। वहाँ पर सेना का कंट्रोल आ चुका है और एक इंटिमेट गवर्नमेंट फिलहाल वहाँ पर बन गई है। लेकिन दोस्तों, अब इलेक्शन होंगे, कब वहाँ पर सरकार बनेगी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। फिर से भारत को कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश से तुम्हारा सफाया करवा दिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो ट्विटर पर ये भी लिख रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश बनने से पहले इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान को हमने फिर से आजाद करवा लिया है और भारत से इसका बदला भी ले लिया है। लेकिन कोई इनसे पूछे कि कैसा बदला ले लिया है, तुम्हारे देश के 2 टुकड़े तो हमने कर दिए हैं, ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश तुम्हारे में फिर से मर्ज हो जाएगा, उल्टा तुम्हारे पाकिस्तान के टूटने के लाले पड़े हुए हैं, तुम उसे संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसे में किस बात का कैसा बदला? दोस्तों, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बस बांग्लादेश में एक छोटी सी खुशी दिख रही है कि भारत का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री हट गई है, सेना का राज आ गया है, वैसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि भारत विरोधी होगा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि असलियत ये है कि जिस कारण से शेख हसीना को हटना पड़ा, उसमें कहीं से भी भारत का समर्थन या विरोध नहीं था। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे बांग्लादेश में, उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया नारे नहीं लगाए, ना ही भारत का विरोध किया, क्योंकि भारत ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया बांग्लादेश में। यहाँ तक कि भारत की जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, वो सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है इस प्रोटेस्ट के दौरान, वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया। वहीं भारत ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि हमने शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जरूर, लेकिन उन्हें भारत में शरण
नहीं दी। हम उन्हें किसी तीसरे देश में भेजेंगे ताकि बांग्लादेश की आम लोगों में, खास करके वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भारत की छवि खराब ना हो। वो भारत को बांग्लादेश विरोधी ना माने। रही बात की क्या बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बन जाने दो भाई। मालदीव्स में भी तो एक एंटी इंडिया राष्ट्रपति बना। उसने 6 महीने तक भारत के खिलाफ खूब काम किया। 6 महीने के बाद स्थिति ये है कि वो भारत की शरण में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें पैसे दे दो, हमें व्यापार दे दो। हमारे देश में आकर रोड शो कर रहा है कि भारत हमारी आर्थिक तौर पर मदद करे। ऐसे में ही बांग्लादेश को भी आप देखना, अगर वहां पर एंटी इंडिया पीएम बन भी जाता है तो अंततः उसे भारत के चरणों में आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो शॉर्ट टर्म में भारत के लिए चिंताजनक जरूर है, क्योंकि पलायन वगैरह हो सकता है वहाँ के लोगों का, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस पूरी बात के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।